हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी अभी रीट का एग्जाम हुआ है और देखने को मिला है कि दोनों ही लेवल में, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही साइकोलॉजी पूछी गई थी। सीडीपी जो आई हुई थी बहुत ही इजी थी और मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिले, वह सभी यहाँ पर हमारे चैनल पे करवाए गए हैं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ाए गए हैं, काफी हेल्पफुल रहे होंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आंसर देने में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आने वाले एग्जाम में भी आपको किसी तरह की परेशानी ना रहे, चाहे वो क्वेश्चन डायरेक्ट हो, चाहे घुमा फिरा के पूछा गया हो, डिटेल में पूछा गया हो, तो वह सभी आपको आंसर आए और आप अच्छे से सॉल्व कर सके एग्जाम को। तो इसीलिए एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। मैं मनजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो ज्यादा देर ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हमसे पूछा जाता है मेन रोल ऑफ साइकोलॉजी। यह क्वेश्चन हमें सिर्फ एग्जाम में ही नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ में भी पूछने को मिल सकता है। कोई भी हमसे पूछ लेता है, जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो आपसे पूछता है कि इसका मेन रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेन रोल। तो मेन रोल इसका होता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन, और इसे हिंदी में हम कह देंगे मानव को समझना, मानव को समझना। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे सामने वाले को पता चलता है आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, आपको साइकोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है, तो क्या कहता है सामने वाला, मेरे बारे में बताइए, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर मेरे बारे में कुछ ऐसा बताइए जो मुझे पता ना हो, या फिर कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं और अच्छे से डेवलपमेंट कर सकूं, अपने आप की ग्रोथ कर सकूं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि साइकोलॉजी का मेन रोल जो होता है, साइकोलॉजी में इंसान को अच्छे से समझा जाता है। तो इस तरह से इसका हम यह मीनिंग याद रख सकते हैं कि साइकोलॉजी का मीनिंग है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन, यानी कि इसका मेन रोल क्या हो जाता है, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन, मानव को समझना। फिर हमारा सेकंड और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी, ये वर्ड है साइकोलॉजी वर्ड, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई और यह कैसा वर्ड है। तो गाइज, यह है एक इंग्लिश वर्ड। जी हाँ, साइकोलॉजी एक इंग्लिश वर्ड है और इसकी उत्पत्ति हुई है ग्रीक के दो वर्ड से। तो इसकी उत्पत्ति हम लिखते हैं यहां पे ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, कितने, टू ग्रीक वर्ड से हुई है इसकी उत्पत्ति। तो एक ग्रीक वर्ड कौन से हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है ये एक तरह से, कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कौन सी लैंग्वेज से हुई है। तो वो लैंग्वेज है ग्रीक, और ग्रीक के वो दो वर्ड, देखिए यहां पर बात की है मैंने टू वर्ड, तो टू वर्ड कौन कौन से हैं, तो चलिए बताते हैं अभी। ये टू वर्ड हैं साइकी एंड लोगस, साइकी एंड लोगस। अब ध्यान दीजिए, यहां पर साइकी एंड लोगस कहा गया है, लेकिन कई बार लोगस को एग्जाम में कैसे दे दिया जाता है, इस तरह से भी दे दिया जाता है, या फिर मतलब इसके स्पेलिंग थोड़े से चेंज करके दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी में जो लोगस जुड़ा है उसके स्पेलिंग होते हैं LOGOS, लोगस। तो यह तो था इनका कि ये दो वर्ड हैं ग्रीक, इनसे जुड़कर बना है हमारा साइकोलॉजी। अब इनका मीनिंग क्या है, अब देखिए साइकी का मीनिंग है यहां पर सोल, क्या है सोल, और जिसे हिंदी में हम कहते हैं आत्मा। और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी या टू स्टडी, और जिसे हम हिंदी में कह देते हैं अध्ययन, क्या कहते हैं, अध्ययन कहते हैं। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या बन गया, द स्टडी ऑफ सोल, टू स्टडी ऑफ सोल, और हिंदी में इसका अध्ययन हो जाएगा कि आत्मा का अध्ययन। तो क्या हो गया इसका मीनिंग, जो शुरुआत में हमारा जो मीनिंग निकल के आया था आत्मा का अध्ययन, या हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्टडी ऑफ सोल, यानी कि साइकोलॉजी का जो नाम के हिसाब से मीनिंग निकला था वह था टू स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान।
तो देखिए गाइज, ये तो आंसर निकला है हमारा साइकोलॉजी वर्ड से। तो क्वेश्चन क्या क्या डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड है और इसकी उत्पत्ति ग्रीक के दो वर्ड से हुई है। वह वर्ड भी पूछे जा सकते हैं, यह दो वर्ड कौन कौन से हैं। तो दो ये वर्ड हैं हमारे, साइकी प्लस लोगस। दूसरा, लोगस के ही स्पेलिंग आपको चेंज करके दे दिए जाएंगे और आपको लोगस का सही स्पेलिंग आपको पता होने चाहिए। फिर आ जाता है साइकी या लोगस, किसी में से या तो दोनों वर्ड का ही आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा या फिर किसी एक वर्ड का मीनिंग पूछ लिया जाता है। फिर देखिए, यहां पर हमने देखा कि इसका मीनिंग निकलता है साइकी प्लस लोगस स्टडी ऑफ सोल। तो आपको एक रोचक बात यहां पर ये पता चलेगी कि देखिए जो साइकी वर्ड है, इस साइकी वर्ड का जो सोल मीनिंग होता है यह किसने बताया। ये किसने बताया कि साइकी का मीनिंग सोल होता है, साइकी का मीनिंग सोल होता है, यह किसने बताया। तो साइकी का मीनिंग सोल होता है यह बताया था हमारे गैरेट साहब ने। गैरेट ने बताया था, किसने बताया था, गैरेट ने बताया था कि साइकी का मीनिंग सोल होता है। यह बात आपको बहुत ही कम जगह से देखने को मिली होगी। ऐसे ही रोचक तथ्य हम आपको यहां पर बताते रहेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यह हम वीडियो के लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फिर देखिए, यहां पर बात आती है कि लोगस का मीनिंग होता है टू स्टडी, तो यह किसने बताया था, तो यह बताया था पैम्पोलॉजी ने। ठीक है गाइज, फिर हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट है हमारा, क्या यह शुरू से ही इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहा है, यानी कि शुरू से ही इसने अपना एक अलग से स्थान बना के रखा कि साइकोलॉजी शुरू से ही अकेला स्थान पे रहा है कि स्वतंत्र कह सकते हैं हम या फिर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं हम। तो नहीं गाइज, साइकोलॉजी शुरू से इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। तो यहां हम लिख लेते हैं, साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शुरू से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। तो इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था तो पहले यह किसका पार्ट था, यह क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाए घुमा के क्वेश्चन। ये तो मैंने अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बताया है कि पहले यह किसी और का पार्ट था, लेकिन एग्जाम में ये थोड़ी नहीं लिखा होगा कि एग्जाम में साइकोलॉजी किसका पार्ट रहा था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि साइकोलॉजी कौन से सब्जेक्ट से निकला है, तो यह भी हम यहां पर देख लेते हैं, साइकोलॉजी कौन से सब्जेक्ट या शाखा से निकला है या किसका ये पार्ट था, निकला है। तो गाइज, यह पार्ट था पहले फिलोसफी का, फिलोसफी, फिलोसफी का यह पहले पार्ट था। और फिलोसफी क्या होता है, फिलोसफी का क्या मतलब होता है, फिलोसफी होता है स्टडी ऑफ साइंस, और इसको फिलोसफी को कहा जाता है मदर ऑफ साइंस, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, फिलोसफी को मदर ऑफ साइंस। तो ऑलमोस्ट जितने भी साइंस के हमारे सब्जेक्ट हैं वो सारे निकले हमारे फिलोसफी से। तो अब यह हमें क्लियर हो गया कि एग्जाम में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि साइकोलॉजी इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनने से पहले किसका पार्ट था या फिर कौन सी शाखा से, कौन से पार्ट से साइकोलॉजी निकला है, तो यह निकला है फिलोसफी से, जिसे हिंदी में कहते हैं हम दर्शन शास्त्र। क्या कहते हैं हम हिंदी में इसको, दर्शन शास्त्र। तो पहले यह दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का एक पार्ट था, तो यह इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट कब बना, यह भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि पहले साइकोलॉजी फिलोसफी का एक पार्ट था, तो फिलोसफी से अलग कब हुआ और इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। तो फिलोसफी तो हमारी हो गई मदर ऑफ साइंस, तो यह साइंस से यानी कि फिलोसफी से हटकर यह बना था, कब बना था, 88 में, यानी कि 1880 में यह एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन गया। और अब साइकोलॉजी को अपना स्थान मिल गया था, अलग से इसे कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ाए जाने लगा। तो अब यह क्वेश्चन आया कि यह तो इसकी शुरुआत हो गई, तो क्या यहीं से शुरुआत हुई, कहीं से तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी जहां से फॉर्मल इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। तो हमसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी की फॉर्मल शुरुआत कह सकते हैं हम, फॉर्मल या औपचारिक आरंभ कहां से हुआ, फॉर्मल स्टार्टिंग कह सकते हैं।
तो यह फॉर्मल स्टार्टिंग हुई थी 1879। अब जो यह हमारा सन मैंने जो लिखा है 1879, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है साइकोलॉजी की शुरुआत में, साइकोलॉजी के रोल में, साइकोलॉजी के विषय में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी सन में बनाई थी हमारी पहली साइकोलॉजी लैब, कहाँ पे? लिप्जिंग में बनाई गई थी। और यह किसने बनाई थी? यह बनाई थी विलियम वुंट ने। तो हम लिख लेते हैं यहां पर विलहम वुंट ने पहली साइकोलॉजी की लैब बनाई थी। तो विलियम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग नामक स्थान पर पहली साइकोलॉजी लैब बनाई, और जिससे हमारी साइकोलॉजी की शुरुआत समझी जाती है, एक फॉर्मल शुरुआत। अब आप पूछेंगे कि यह लिप्जिंग है कहाँ पे? तो गाइज, यह लिप्जिंग है जर्मनी में। कहाँ पे है ये? जर्मनी में। और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि फर्स्ट लैब कहाँ खुली थी? लिप्जिंग के जर्मनी, लिप्जिंग में, जो कि जर्मनी में है, वहां पर खुली थी। और किसने खोली थी? यह खोली थी विलियम वुंट ने। कब खोली थी? 1879 में। तो यह क्वेश्चन भी काफी बार घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, तो यह भी हमें पता होना चाहिए। काफी अहम पार्ट है यह, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन शायद आपको पता हो या ना भी पता हो, कि साइकोलॉजी वर्ड है यह सबसे पहले किसने दिया था? यानी कि साइकोलॉजी, देखिए बन तो गया, लैब भी खुल गई, लेकिन क्या हमें यह पता है कि साइकोलॉजी जो वर्ड है अस्तित्व में कब आया था, या कौन ऐसे इंसान है जो इसको अस्तित्व लाने में अहम भूमिका रखते हैं? तो देखिए गाइस, जो यह वर्ड हमारा साइकोलॉजी, इसकी इन्वेंशन कह सकते हैं, या इन्वेंटेड जो ये वर्ड हुआ था किसके द्वारा, किसने इन्वेंशन की थी इसकी? तो इसकी इन्वेंशन की थी हमारे, जिनका नाम है रुडोल्फ गोकल ने इन्हें की थी, इनकी शुरुआत, इस वर्ड की खोज की थी इन्होंने। और कब की थी? इनकी एक बुक लिखी थी इन्होंने 1590, यानी कि 1519 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इस बुक का नाम था, क्या नाम था गाइस? इस बुक का नाम आपकी साइकोलॉजी वर्ड से मिलता जुलता ही है, तो यह नाम है साइकोलॉजिया भी कह सकते हैं। तो यह बुक इन्होंने लिखी थी, और यह बुक इन्होंने लिखी थी 1590 में, और इसी में साइकोलॉजी वर्ड अस्तित्व में आया, इसी में साइकोलॉजी के बारे में जिक्र किया गया है, और ये वर्ड हमारा साइकोलॉजी यहीं से अस्तित्व में आया था, तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य था जो आपको बताना था। तो देखिए गाइज, ये हमने जाना कि साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ सोल, एंड हमने जाना कि इसकी औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। फिर हमने जाना कि साइकोलॉजी का जो वर्ड है यह कहां से निकला है। तो अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी का कहने का मतलब है कि जैसा कि हमने अभी अपनी डेफिनेशन में जाना था, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ सोल, तो क्या आज भी इसी मीनिंग को लेके चलते हैं? आज भी इसका मीनिंग यही लिया जाता है कि स्टडी ऑफ सोल? तो नहीं गाइस, इसमें बदलाव होते गए हैं। अब वो बदलाव कैसे कैसे हुए हम जानेंगे अपने इस पॉइंट से, अपने इस टॉपिक से, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे समझा जाता था स्टडी ऑफ सोल। तो पहला हमारा पॉइंट यही बनता है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। वीडियो के साथ साथ में गाइज आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आपको रिवीजन करने में काफी हेल्प रहे। तो साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल किसने कहा था और कब कहा गया था? तो जब सेंसे चल रही थी 16, तो उस टाइम पे हमारे कुछ दर्शन शास्त्री, जैसा कि हमने जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि हमारा फिलोसफी से वर्ड निकल के आया है, फिलोसफी से यह सब्जेक्ट हमारा बना है, तो कुछ अपने
फिलोसोफर थे जैसे प्लूटो, एरिस्टोटल एंड डेकार्त। तो ये एक ऐसे, ये तीन ऐसे साइकोलॉजिस्ट और प्लस फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा था कि स्टडी होती है जो हमारी साइकोलॉजी है, यह स्टडी है सोल, यानी कि यह आत्मा का अध्ययन करती है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन करती है, तो इस डेफिनेशन का काफी क्रिटिसिज्म हुआ। कैसे हुआ, आलोचना हुई इसकी, कैसे हुई? क्योंकि देखिए, आत्मा का अध्ययन हम कैसे करेंगे? क्या हम सभी ने आत्मा को देखा है? नहीं, तो हम सब ने आत्मा को नहीं देखा। तो जो चीज हमने देखी ही नहीं, तो हम उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में क्या कहा गया कि हम आत्मा को नहीं देख सकते, वी कांट सी सोल एंड वी कांट स्टडी सोल। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो हम यह नहीं मान सकते कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल है। क्यों? क्योंकि हम स्टडी नहीं कर सकते, हम आत्मा को देख नहीं सकते। तो क्या क्या रीजन हुए थे इसको, डेफिनेशन को ठुकराने के? वी कांट स्टडी सोल एंड वी कांट, जो आत्मा है हमारी वो विजिबल नहीं है, विजुअल नहीं है, और यह एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गई। क्या हो गई? यह एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होगी, क्योंकि हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं आत्मा की। तो हम ऐसे वैसे तो ज्यादा हम ये भी कल्पना कर सकते कि आत्मा कैसे कैसे बिहेव करेगी, कैसे कैसे करेगी आत्मा, तो ये भी हम ज्यादा कल्पना नहीं कर सकते। ये बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गई, और इसके कोई एविडेंस नहीं थे कि आत्मा होती है और आत्मा कैसे कैसे काम करती है। तो यहां पर नो एविडेंस हम लिख सकते हैं साथ में, नो एविडेंस ऑफ सोल। तो इस तरह से यह जो हमारा मीनिंग था साइकोलॉजी का, यह मीनिंग हो गया रिजेक्ट। फिर इसके बाद में कुछ लोग और आए, उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। अब माइंड को हिंदी में मन कहते हैं। तो देखिए, इन्होंने कहा कि आत्मा, जैसे पहले सोल कहा गया था कि स्टडी ऑफ सोल है, अब कहा गया कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड है। तो यह माइंड किसने कहा कि यह माइंड होता है? तो 17th सेंचुरी में कुछ साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था जॉन लॉक, हॉब्स एंड कांत। ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि आत्मा माइंड का अध्ययन करती है, मन का अध्ययन करती है। तो इसको भी अप्रोप्रिएट नहीं समझा गया, इसको भी ठुकरा दिया गया। क्यों ठुकरा दिया गया? सेम कुछ वही रीजन थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मन की स्टडी कर सके, क्योंकि यह हमारे माइंड की इंटरनल स्टेट है। क्यों है, रीजन क्या दिया गया कि हम मन को, यह पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल द स्टडी ऑफ माइंड बिकॉज इट इज द इंटरनल स्टेट, इट इज एन इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, इंटरनल स्टेट ऑफ आवर बॉडी भी हम कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, माइंड को हम नहीं देख सकते, हम कैसे बता सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो इसलिए से हम यह भी मीनिंग साइकोलॉजी ने ठुकरा दिया, रिजेक्ट हो गया यह भी मीनिंग कि इसके कोई ऐसे खास हमारे पास एविडेंस नहीं है जिससे कि हम माइंड का स्टडी कर सके, माइंड को अध्ययन कर सके। और यह भी एक हमारी माइंड इंटरनल स्टेट है हमारी बॉडी की, और जिसके बारे में हम काफी कुछ अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये तो थी हमारी दो डेफिनेशन, दो मीनिंग। उसके आगे और भी ऐसी मीनिंग निकल के आए हैं, तो चलिए हम वो देख लेते हैं अभी। तो अब देखिए गाइस, तीसरे नंबर पे आता है हमारा पॉइंट, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हिंदी में कहा जाता है चेतना, चेतना। तो देखिए गाइस, यह हुआ था 18th सेंचुरी में। अब 18th सेंचुरी वाले में साइकोलॉजिस्ट आए हमारे, बहुत ही महान, जिनसे कि बहुत ही कुछ हमें देखने को मिला, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। तो यह कहते हैं कि स्टडी होती है कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वह स्टडी है कॉन्शियसनेस की, चेतना का अध्ययन करती है। तो चेतना का अध्ययन करती है, तो फिर यह कौन थे ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कहा कि यह कॉन्शियसनेस होता है? तो यह तो हमारे
साइकोलॉजिस्ट थे वह थे विलहेम वुंड। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारी जो फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब थी वह खुली थी लिप्जिंग में और वह खोलने वाले यही थे। कब खोली थी? 1879 में। तो देखिए हमारे साथ में रिवाइज भी हो रहा है, तो आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा। तो विलियम वुंड ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा कि स्टडी ऑफ सोल होती है साइकोलॉजी, और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी स्टडी करती है हमारे कॉन्शियसनेस की, चेतना का अध्ययन करती है। तो चेतना का अध्ययन करती है तो इसके बारे में इन्होंने कहा, अध्ययन करती है तो इसके लिए इन्होंने एक मेथड भी बताया जिसे कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू इन्होंने कहा कि यह स्टडी करती है कॉन्शियसनेस की। तो कॉन्शियसनेस अगर देखा जाए क्या है, कॉन्शियसनेस हमारे माइंड का एक पार्ट है, एक माइंड की स्टेट है, माइंड का पार्ट है। तो माइंड कैसे होता है? एक तो होता है हमारा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस। सेकंड होता है सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। और थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है गाइस? यह होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो इस तरह से तीन हिस्से हो जाते हैं हमारे माइंड के। पहला होता है चेतना, फिर होता है अर्ध चेतना, और तीसरा होता है अचेतन या फिर अचेतना कह सकते हैं हम। तो इस तरह से तीन हिस्से हो जाते हैं हमारे माइंड के। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा कि हमने जाना है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है यह टोटल लगभग 10% ही होता है माइंड का हिस्सा, और अनकॉन्शियस होता है लगभग 90% हमारा माइंड का हिस्सा। तो देखिए गाइज, यह कहा गया इन्होंने कि कॉन्शियसनेस होता है, साइकोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का अध्ययन करना। अब चेतना हमारी टोटल ही 10% है, तो बाकी 90%, बाकी ही हमारा 90% वो तो उसकी तो स्टडी हुई ही नहीं। तो इस तरह से यह भी गलत कर दी गई। और जैसा कि इन्होंने एक मेथड दिया था इंट्रोस्पेक्शन, तो इंट्रोस्पेक्शन ऐसा एक मेथड है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग बता सकते हैं, लेकिन हमारी फीलिंग्स कितनी सही है वह दूसरा इंसान ना तो महसूस कर सकता है जैसा हम महसूस कर रहे हैं, ना तो वह उसकी वैलिडिटी दे सकता है सामने वाला, और ना ही इतना विश्वसनीय माना गया इस चीज को। तो इसलिए से यह मेथड भी सही नहीं माना गया। और अगर आपसे ये पूछने चाहिए कि सबसे पुरानी और पहली मेथड कौन सी थी, तो वह थी इंट्रोस्पेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्दर्शन। तो यह भी पूछ लिया जाता है कि अंतर्दर्शन विधि किसने दी थी, तो यह दी थी विलियम वुंड ने। ठीक है गाइस, तो इस तरह से इस विधि को भी, इस मीनिंग को भी नकार दिया गया, क्योंकि कॉन्शियसनेस ओनली 10% होता है, बाकी का 90% इससे अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इसको भी नेगेटिव कर दिया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, और चेतना को हम देख नहीं सकते, तो इसके लिए भी हमारे पास अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं बनते। फिर आया नंबर 4। अब क्या कहा गया? साइकोलॉजी इज द बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो यह कब कहा गया? यह कहा गया था 19th century में, लगभग 1924 के आसपास। तो इसका समर्थन करने वाले, इसका फादर कौन था? तो इसका जो मेन साइकोलॉजिस्ट है, सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट, यह थे जेबी वॉटसन। तो जेबी वॉटसन को कहा जाता है व्यवहारवाद का पिता, व्यवहारवाद के फादर कहा जाता है। और इनकी एक बुक लिखी इन्होंने जिसका नाम था बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि इनकी जो बुक थी जिसे बिहेवियरिज्म की शुरुआत मानी जाती है, तो उस बुक का नाम क्या? तो उस बुक का नाम है बिहेवियरिज्म। और यह बुक इन्होंने कब लिखी थी? लगभग 1924 में। और इसमें क्या कहा गया था? इन्होंने बिहेवियर के बारे में बताया गया था, और इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब कैसे स्टडी होती है? अब इस यही डेफिनेशन आज तक बहुत ही अप्रोप्रिएट मानी जाती है और अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर की। अब बिहेवियर को हम देख भी सकते हैं, उसमें हम उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं, और उसको हम ऑब्जर्व करके भी देख सकते हैं। जो इसने मेथड बताया, उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन करके, और इन्होंने बताया कि लर्निंग कैसे करते हैं, इमिटेशन करके, देख के, ऑब्जर्वेशन करके। तो मेन इनका क्या था मेथड? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू
हम देख सकते हैं कि बिहार में कितना चेंज हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है किसी परिस्थिति में, और बिहेवियर को हम मानसिक अवस्था में, जो हम मेंटल स्टेट कहते हैं, उसमें हम एक्सटर्नल पार्ट समझते हैं। यानी कि बिहेवियर माइंड का एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम अच्छे खासे देख सकते हैं। तो क्या हो गया, बिहेवियर इज एक्सटर्नल पार्ट या एक्सटर्नल स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि देखिए, जो कुछ भी हम माइंड में सोचते हैं तो उसका जो झलक होती है हम कहाँ देख पाते हैं, हमारे बिहेवियर में। अब मान लीजिए आपने दिमाग में सोचा कि मुझे तो डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करनी है, मुझे तो सी टेट की तैयारी करनी है, तो जो भी जिसने सोचा कि मुझे सी टेट की तैयारी करनी है, तो वो आपको बाहर उसका बिहेवियर कैसा झलकता दिखाई देगा। वह सी टेट की बुक से रिलेटेड बुक इकट्ठी करता दिखेगा, सी टेट से रिलेटेड बुक परचेज करता दिखेगा, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको सोल्व करता दिखेगा। और जिसने सोचा कि मैं तो डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करूंगा, तो वह डी ट्रिपल एसबी से रिलेटेड कोर्स परचेज करेगा या फिर उससे रिलेटेड बुक परचेज करेगा। तो इस तरह से देखिए, जो उसने माइंड में सोचा वह उसका बाहर झलका उसके बिहेवियर में। क्या झलका? उसने जो माइंड में सोचा उसका बाहर क्या झलका, उसके बिहेवियर में चेंज झलका, उससे जो उसने सोचा उससे रिलेटेड ही उसके बाहर बिहेवियर में चेंजेस आए। तो इस तरह से जेबी वॉटसन का जो पॉइंट था कि स्टडी होती है बिहेवियर की, सोल की नहीं होती, ना ही कॉन्शियसनेस की होती है और ना ही माइंड की होती है, साइकिली स्टडी होती है बिहेवियर की। तो इस तरह से उनकी इस डेफिनेशन को काफी एप्रोप्रिएट माना गया और आज भी इनके एविडेंस को सही माना जाता है। तो अब यह पूछ लिया जाता है कि जो हमारा व्यवहार शब्द है, अब ये तो हमने जान लिया कि व्यवहारवाद के फादर जेबी वॉटसन को कहा जाता है और इन्होंने बुक भी लिख डाली थी बिहेवियरिज्म, लेकिन फिर भी बिहेवियर जो वर्ड है हमारा, यह वर्ड सबसे पहले किसने जिक्र किया, इस वर्ड का किसने इस वर्ड को यूज किया साइकोलॉजी वर्ड में, सबसे पहले यूज किया कब, साइकोलॉजी एरिया में, साइकोलॉजी के एरिया में या साइकोलॉजी के क्षेत्र में। तो यह वर्ड यूज किया था 1908 यानी कि 1908 में। तो यह इनका यूज करने वाले थे विलियम मैकडूगल ने इनका यूज किया था बिहेवियरिज्म वर्ड का। तो यह भी पूछा जा सकता है हमसे कि इसका सबसे पहले जिक्र किसने किया था साइकोलॉजी एरिया में, इसका यूज सबसे पहले किसने किया था, तो वह थे विलियम मैकडूगल 1908 में। तो देखिए, अब तो ये हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे साइकोलॉजी परिवर्तित होती गई, चेंजेस आते गए इसमें, कैसे कैसे इसकी डेफिनेशन चेंज हुई। तो क्वेश्चन अब बनता है कि हम इतने सारी चीजें याद कैसे करें। तो ये सारे चार पॉइंट, ये सारी जितनी हमने अभी तक हिस्ट्री पढ़ी है, तो इसको याद कर सकते हैं हम एक झट से एक डेफिनेशन के थ्रू। तो वह डेफिनेशन क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी। तो देखिए गाइस, आपको स्क्रीन पर एक डेफिनेशन दिख रही होगी जो दी थी वुडवर्थ ने दी थी। यह डेफिनेशन दी थी वुडवर्थ ने, और वुडवर्थ कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। तो देखिए, हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, यहां से हमारा पहला पॉइंट निकल के आ जाता है कि स्टडी ऑफ सोल कहा था साइकोलॉजी को। तो इन्होंने कहा पहले साइकोलॉजी ने त्यागा किसको, खोया, ये त्यागा कह सकते हैं, फिर खोया किसको, सोल को, यानी कि आत्मा को खोया पहले। फिर ये कहते हैं इट देन इट माइंड, तो फिर उन्होंने क्या किया, माइंड को त्याग किया, और फिर उन्होंने त्याग किसका किया, फिर उन्होंने कॉन्शियसनेस का त्याग किया, और अब यह साइकोलॉजी बना हुआ है अपने व्यवहार में, एक तरह से अपने व्यवहार में बना हुआ है अभी तक। तो देखिए, यहां से हमारे चारों के चारों पॉइंट निकल कर आ गई, ये हमारा फोर्थ पॉइंट। तो क्या कहा है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, एंड देन इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ ए काइंड। तो देखिए, यहां से हमें चारों के चारों पॉइंट याद हो गए और सीक्वेंस के साथ याद हो गए हैं। तो देखिए, पहले 16th सेंचुरी में आया था स्टडी ऑफ सोल, फिर 17th सेंचुरी में आया था स्टडी ऑफ माइंड, एंड देन 18th सेंचुरी में आया था स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और लास्ट 19th सेंचुरी में आया था स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो एक सीक्वेंस के द्वारा ही और एक डेफिनेशन से, जो बिल्कुल ही इजी डेफिनेशन है, कुछ भी इसमें ना समझने वाला या फिर कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड भी इसमें नहीं है, तो इस तरह से हमें याद हो जाती है कि साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई, साइकोलॉजी की हिस्ट्री या मीनिंग कैसे बना। अगर हिंदी में चाहें तो हिंदी में इसको लिखा जा सकता है
पहले साइकोलॉजी ने अपने आत्मा को त्यागा, फिर उसने अपने मन को त्यागा और फिर उसने अपनी चेतना को खो दिया और अब साइकोलॉजी अपने व्यवहार में बनी हुई है। तो यह तो थी गाइस आज की हमारी क्लास। और इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो एक बार आपको मैं बता देती हूँ बिल्कुल ही बोल के। तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। अगर आपने सिर्फ साइकोलॉजी का वर्ड का मीनिंग पूछा गया है कि क्या इसका मीनिंग बना था, और ऑप्शन में आपको साइकी प्लस लोगस इस तरह से लिखे होते हैं, तो आप इनसे इनका मीनिंग बता सकते हैं, आत्मा का अध्ययन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक टाइम पे यानी कि आधुनिक पीरियड में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी कहां से शुरुआत मानी गई है साइकोलॉजी की, तो शुरुआत मानी जाती है विलियम वुंट ने जब हमारी पहली साइकोलॉजी लैब खोली थी, तब से इसकी फॉर्मल औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। और क्या पूछ लिया जाता है, और ये पूछ लिया जाए कि साइकी को सोल्व किसने कहा, तो साइकी को सोल्व कहा था गैरेट ने। तो यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, ताकि उनके पास भी यह पहुंच सके जो किसी भी कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, परचेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन वह पढ़ना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो जा सके। बिल्कुल फ्री में आपको यह वीडियो मिल रही है, तो फिर देरी किस बात की, घबराना किस बात का, टेंशन किस बात की, बस शेयर कीजिए और सबका भला कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।